हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट के बारे में। सीएफए क्या क्या लेवल्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है कोर्स की, एंड आप कब एनरोल कर सकते हो, किस फील्ड से आप वो तो एनरोल कर सकते हो, ये बहुत सारी चीजें हम चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट यानी कि सीएफए के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट। सो मैं आपको बता दूं कि पहले इस वीडियो के कंटेंट्स क्या क्या रहेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटीज कि आप अपना करियर कैसे परस्यू कर सकते हो, क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी आपकी जब आप एज अ सीएफए चाहे लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 करके आप जॉब जो है वो कर रहे हो। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। फोर्थ कोर्स डिटेल्स। कोर्स डिटेल्स में हम लोग लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आएगा सीएफए की एग्जाम डिटेल्स, कब आप एग्जाम्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम फीस क्या रहेगी आपकी। एम्प्लॉयर्स इंडिया में एंड वर्ल्ड वाइड कौन कौन एम्प्लॉयर्स हैं, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो सीएफए को एम्प्लॉय करती हैं, एंड नेक्स्ट उसके बाद सैलरी। ये बहुत सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में आज डिस्कस कर रहे हैं। सो अब अगर मैं बात करूं कि सीएफए है क्या, सीएफए एक ऐसा कोर्स है जो आपको मास्टरी दिलाएगा फाइनेंस की फील्ड में। इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च और ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें आप अपना करियर परस्यू कर सकते हो। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि ये एक बहुत हाई रेटेड कोर्स है, यूएस बेस्ड कोर्स है, 167 प्लस कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है, 1,67,000 प्लस चार्टर्ड होल्डर्स हैं। और ये जो डाटा है 1,67,000, ये जो डाटा है ये 2020 का डाटा है, यानी कि अब अगर हम 2022 में है तो ये काफी इंक्रीज हो चुका होगा। और सबसे बड़ी बात, जो चार्टर्ड होल्डर्स हैं सीएफए के, मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, 3 लेवल्स होते हैं। तीनों लेवल क्लियर करने के बाद यानी कि लेवल 3 भी क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, स्केल 2 एंड स्केल 3 की गवर्नमेंट जॉब। सीएफए का जो इंस्टीट्यूट है 1947 में एस्टैब्लिश हुआ था, 70 प्लस इयर्स हो चुके हैं, बेंचमार्क है इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के लिए। जो सीएफए चार्टर्ड होल्डर्स हैं आपके, वो पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इक्विटी रिसर्च हैं, एनालिस्ट, फंड मैनेजर्स हैं, वेल्थ मैनेजर्स हैं, सीएफओ एंड रिस्क कंसल्टेंट्स हैं। सो अगर आप एक भी लेवल सीएफए का क्लियर करते हो तो आपके लिए आगे बहुत सारी जॉब प्रोफाइल जो है वो खुल जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज की आप एज अ सीएफए अपना करियर अपॉर्चुनिटीज करियर जो है वो किन फील्ड में परस्यू कर सकते हो। सो अगर बात करूं मैं आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज की, सो करियर अपॉर्चुनिटीज में आपके पास एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर डूइंग योर सीएफए। आफ्टर डूइंग योर सीएफए प्रोग्राम आप एन नंबर ऑफ फील्ड्स में जा सकते हो, जिसमें से मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट की है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिसर्च, कंसल्टिंग, चीफ लेवल एग्जीक्यूटिव, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट, रिलेशनशिप वेल्थ मैनेजमेंट, अदर्स में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, फिक्स्ड इनकम रिसर्च, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। अब वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स चाहे कमोडिटीज में हो, रियल एस्टेट में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, ट्रेजरी मैनेजमेंट, कॉरपोरेट बैंकिंग और एन नंबर ऑफ फील्ड्स इस सीएफए प्रोग्राम के करने के बाद आप परस्यू कर सकते हो। अब सो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ गोल्ड स्टैंडर्ड की। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब हुआ ये, यहाँ पर कोई डायमंड स्टैंडर्ड नहीं है, सिर्फ एक ही लेवल है गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी कि आपको अगर स्पेशलाइजेशन चाहिए फाइनेंस की फील्ड में तो आपको सीएफए प्रोग्राम वो स्पेशलाइजेशन देगा। ये जो मैंने अभी बात की करियर अपॉर्चुनिटीज की, हो सकता है जो फाउंडेशन स्टूडेंट्स हैं
या जो स्टूडेंट्स हैं अभी जो प्लस वन प्लस टू रिसेंटली क्लियर करके आए हैं उन्हें समझ ना आ रहा हो, लेकिन जब आगे आप अपना करियर परस्यू करोगे तो आप इन फील्ड्स के बारे में जरूर सुनोगे। आप जब भी आप CFA प्रोग्राम परस्यू करते हो तो ग्लोबली आपको बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो मिल जाती हैं जो CFAs को चार्टर्ड होल्डर्स को एम्प्लॉय करते हैं। यू मे टॉक अबाउट करियर इन JP Morgan, UBS, Goldman, Morgan Stanley, Bank of America और प्राइवेट इक्विटी रिसर्च में आप जो है परस्यू कर सकते हो अपना करियर, स्टार्टअप्स में परस्यू कर सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आ गई, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, सॉवरेन गोल्ड फंड्स, ये सारे जो है आपके लिए फील्ड्स ओपन हो जाएंगे आफ्टर CFA प्रोग्राम। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज इंडिया में चार्टर्ड होल्डर्स को एम्प्लॉय करती हैं। सो अगर मैं बात करूं कंपनीज एम्प्लॉइंग चार्टर्ड होल्डर्स इन इंडिया, सो ये बहुत सारी कंपनीज आपके सामने आपको दिख रही होंगी जो चार्टर्ड होल्डर्स को एम्प्लॉय कर रही है, बट इनमें से कुछ बड़ी कंपनीज के अगर मैं नाम बताऊं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इवन रिजर्व बैंक जो हमारा एपेक्स बैंक है वो भी चार्टर्ड होल्डर्स को एम्प्लॉय करता है, HDFC ग्रुप, ICICI ग्रुप, UTI म्यूचुअल फंड्स, कोटक महिंद्रा ग्रुप, मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड, ये सारी कंपनीज आपको ऑल ओवर द इंडिया चार्टर्ड होल्डर्स जहाँ पे एम्प्लॉय किए जाते हैं वो आपको मिल जाएंगे। ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें तो ग्लोबल लेवल पे आपके पास सिटी ग्रुप, HSBC, KPMG, UBS, ING ग्रुप, RBS एंड फ्रैंकलिन टेम्पलन इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी कंपनीज, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, बट इसमें से मैंने कुछ बड़ी कंपनीज जो हैं जो मेन ग्रुप्स हैं जहाँ पर चार्टर्ड होल्डर्स एम्प्लॉय किए जाते हैं वो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। सो देखो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को मैंने टू पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कि आप कौन सी फील्ड से हो और CFA प्रोग्राम आपको करना है तो आप क्या उस पर्टिकुलर फील्ड से CFA प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो या नहीं। दूसरा मैंने एलिजिबिलिटी जो रिक्वायरमेंट आपकी डिवाइड की है कि इन केस यू डिसाइड कि आपको अगर CFA प्रोग्राम परस्यू करना है या एनरोल होना है इस प्रोग्राम के लिए देन आप की क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये डिस्कस करते हैं, आपको एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए, इंटरनेशनल पासपोर्ट चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। अब ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए बट इन केस अगर आप लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, मतलब आपने फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है देन आल्सो आप CFA के लिए एनरोल कर सकते हो। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट भी नहीं हो, लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में भी नहीं हो देन आपको 4000 आवर्स का एक्सपीरियंस चाहिए टू बी कंप्लीटेड इन 36 मंथ्स। 36 मंथ्स के अंदर अंदर आपको वो कंप्लीट करना है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, प्रोड्यूसिंग अ वर्क प्रोडक्ट दैट इनफॉर्म्स और एड्स वैल्यू टू द प्रोसेस, मतलब ये जो आपका 4000 आवर्स ऑफ एक्सपीरियंस है ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की फील्ड में ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सो अब उसके बाद बात करते हैं कि मैम कौन सी फील्ड से अगर हम हैं तो हम CFA प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं। सो मैं बताऊं तो आप किसी भी फील्ड से, ऐसा कोई CFA का जो इंस्टीट्यूट है ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखता है कि आप सिर्फ किसी कॉमर्स फील्ड के जो पर्सन है वही CFA प्रोग्राम जो है वो परस्यू कर सकते हैं। CA CS, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, बैंकिंग फील्ड से हो, इंजीनियरिंग फील्ड से हो, इवन MBA, लॉ, इकोनॉमिक्स, किसी भी फील्ड से हो आप CFA प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो। बट आपको ध्यान कहाँ पे रखना है, जो सेकेंड पार्ट है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट का, कि आपको एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, अगर ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है, परस्यू कर रहे हो ग्रेजुएशन तो आप लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में CFA प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप ग्रेजुएशन कर भी नहीं रहे हो, ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं है
एक्सपीरियंस चाहिए टू बी कंप्लीटेड इन 36 मंथ्स, और किसी भी फील्ड में हम ये कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेवल्स की। सो सबसे पहले बात करते हैं लेवल वन की। लेवल वन को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर ए जॉब ऑफ 3 to 5 lakhs पर एनम। कई बार इससे हायर का भी पैकेज लग जाता है। मैंने यहाँ पे एवरेज जो है वो आपको बताया। लेवल वन का एवरेज रिजल्ट रेट जो है वो 42% है। ये पास 10 ईयर्स के एग्जाम्स जो है आपके उनके बेसिस पे मैंने आपको यहाँ पे 42% रिजल्ट रेट बताया। मैम अब करियर अपॉर्चुनिटीज बताओ, इनकेस अगर आप लेवल वन क्लियर कर देते हो तो लेवल वन के बाद आपके पास जॉब प्रोफाइल्स कौन कौन सी खुल जाएंगी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो सीएफए लेवल वन के बाद, सीएफए लेवल वन के बाद आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जॉब कर सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट इक्विटी स्टार्टअप्स में पैसा लगा सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट कंपनी है उनमें जॉब कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सीएफए कर रहे हो आप साथ में परस्यू कर रहे हो तो आप जॉब नहीं कर सकते, कर सकते हो आप जॉब। इसकी कोई भी जो लेवल वन के बाद आपका जो पैकेज रहेगा वो 3 to 5 lakhs का रहेगा और आपको एक अच्छा जॉब प्रोफाइल देखने को मिल सकता है लेवल वन के बाद। अब बाद में बात करते हैं हम लेवल टू की। तो अब लेवल वन क्लियर कर लिया, लेवल टू पे हम हैं, लेवल टू भी क्लियर कर लिया। लेवल टू क्लियर करने के लिए सबसे पहली बात तो आपका जो एवरेज रिजल्ट रेट है इसका 44% है। लेवल वन का 42 था, लेवल टू का 44% है। अब ये भी लास्ट 10 ईयर्स की एवरेज ही है आपकी। 5 to 10 lakhs का पैकेज आपका ऑन एन एवरेज लेवल टू के बाद लग जाता है। सीनियर एनालिस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की फील्ड में आप काम कर सकते हो, वैल्यूएशन एनालिस्ट है, एन नंबर ऑफ फील्ड्स लेवल टू के बाद भी आपके पास खुल जाएंगी, आपके लिए एक रास्ता बन जाएगा जिसमें आप अपना करियर बहुत अच्छे से परस्यू कर लोगे। लेवल थ्री की बात करते हैं। अब लेवल थ्री की अगर हम बात करें तो लेवल थ्री जो लास्ट लेवल है सीएफए का, इसका एवरेज रिजल्ट रेट जो है वो 56% है। 10 to 20 lakh की जॉब मिनिमम लेवल थ्री के बाद लगती है, इवन इससे हायर के भी पैकेज जो है वो जाते हैं। अब सीएफए प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है आपका लेवल थ्री के बाद। सीएफए प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद मैंने अभी आपको बताया बहुत सारी फील्ड्स हो जाएंगी, इक्विटी रिसर्च स्टार्टअप, एलआईसी कंपनीज, नॉन एलआईसी कंपनीज, एंडोमेंट फंड एंड बहुत सारी कंपनीज में आप एज अ चार्टर्ड होल्डर काम कर सकते हैं। सो ये थे 3 levels, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट एंड रिजल्ट्स की। सो आपका जो लेवल 1 है वो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव होगा, कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको और इसका जो रिजल्ट है वो अप्रोक्स 60 days में रिजल्ट इसका आ भी जाता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एग्जाम फ्रीक्वेंसी क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके लेवल वन में साल में 4 बार एग्जाम्स होंगे, ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर लोगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं लेवल टू की। सो लेवल टू आपका जो होगा वो भी ऑब्जेक्टिव ही होगा पूरा, लेकिन इसमें जो आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछेंगे, ठीक है, लेवल टू में आपको। अच्छा, अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, मतलब आपका पेपर पैटर्न जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, बट लेवल टू में आके, लेवल वन में तो सिंपल एमसीक्यूज थे, लेवल टू में आपके आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे बट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के रूप में वो पूछे होंगे। रिजल्ट इसका भी जो रिजल्ट्स हैं वो विद इन 60 days डिक्लेयर हो जाते हैं। जिस दिन आपने पेपर दिया उसके बाद ऑन एन एवरेज 60 days में आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लेवल थ्री की। सो लेवल थ्री का जो आपका फॉर्मेट है, क्वेश्चन फॉर्मेट है, वो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, दोनों पूछे जाएंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 90 days में इसका अप्रोक्स जो है वो रिजल्ट आता है। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे जो आपका सीएफए में जो आपका टॉपिक्स है वो आपका पूरा एक प्रोग्राम, जैसे लेवल वन जो प्रोग्राम है वो टॉपिक्स में डिवाइड है, एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड
आपके प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उसके बारे में पढ़ना है, तो लेवल वन में इसकी वेटेज रहेगी 15%, लेवल टू में 10-15%, लेवल थ्री में भी 10-15% की वेटेज रहेगी। क्वांटिटेटिव मेथड्स की अगर मैं बात करूँ, क्वांटिटेटिव मेथड्स मतलब मैथ्स, इसमें आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड एवरेजेस एंड ऑल दैट जो टॉपिक जो है पढ़ोगे 10%, 5-10%, लेवल थ्री में आके क्वांटिटेटिव मेथड्स में आपकी जो वेटेज है वो जीरो हो जाती है, मतलब यहाँ से आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। सो इकोनॉमिक्स 5-10% मतलब ऑन एन एवरेज 8-10% तो हर लेवल में इकोनॉमिक्स की भी वेटेज है। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, इसकी जो आपकी वेटेज रहेगी वो 10-15 और लेवल 3 में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस आपको नहीं आएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस के, तो US GAAP एंड जो आपका IFRS है उसके दोनों पर बेस्ड है, बट थोड़ा US GAAP जो है वो ज्यादा डिटेल में इसमें डिस्कस किया हुआ। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस की। सेम इज द केस विद कॉर्पोरेट फाइनेंस, 5-10% इसकी वेटेज रहती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट एंड ऑल दैट, इस तरह के टॉपिक आप इस सब्जेक्ट में पढ़ते हो, इस टॉपिक में पढ़ते हो बेसिकली कॉर्पोरेट फाइनेंस में। ये भी आपका जो टॉपिक है लेवल 3 में नहीं रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। इक्विटी इन्वेस्टमेंट देखो, इक्विटी एक ऐसा एरिया है, इक्विटी रिसर्च है, इक्विटी ड्रिवन स्टार्टअप्स हैं, ये ऐसा एरिया है जो आगे जाके आपको CFA प्रोग्राम करते हुए या CFA प्रोग्राम करने के बाद परस्यू करना है। तो जो इसकी वेटेज है इनिशियल लेवल पे तो 11% है, बट आगे जाके आपको देखने को मिलेगा कि 10-15% इसकी वेटेज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिक्स्ड इनकम रिसर्च। फिक्स्ड इनकम रिसर्च के साथ भी सेम वही है, 11% की इनिशियल वेटेज है, बट लेवल 3 तक अगर हम जाएं तो इसकी वेटेज ऑन एन एवरेज 15-20% आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट उसके बाद है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का भी 6% लेवल 1 एंड देन 5-10% एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स भी 5-10% आपका अप्रॉक्स रहेगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। बट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो CFA प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई लेवल 3 में आके इसकी जो वेटेज है वो 35-40% की वेटेज जो है वो अप्रॉक्स कर दी गई है, ठीक है। सो ये बात थी सब्जेक्ट्स की। अब इसके जो सेशंस होते हैं वो आपके ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो 2 सेशंस में डिवाइड होते हैं। जब आपका पेपर होता है तो 2 सेशंस में जनरली ये टॉपिक्स डिवाइड सारे आपके टॉपिक्स डिवाइड होते हैं। जैसे लेवल 1 में आपके 180 मिनट्स के 2 सेशंस होंगे, 120 क्वेश्चंस आपको एक सेशन में पूछे जाएंगे, इन 2 सेशंस में ब्रेक भी होगी एंड आपको अकॉर्डिंगली आंसर करने हैं वो आंसर। अब बात करते हैं एग्जाम फ्रीक्वेंसी के बारे में कि एग्जाम कब कब होते हैं एक साल में। सो देखो, अब मैं लेवल 1 की बात करूं तो लेवल 1 के लिए साल में 4 बार आपके एग्जाम्स होंगे। कब कब? फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर। फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर। पहले जो ये एग्जाम थे सिर्फ 2 टाइम्स इन ईयर होते थे, लेकिन अब रिसेंटली CFA इंस्टीट्यूट ने 2 टाइम्स से बढ़ाकर 4 टाइम्स कर दिया, यानी कि अब आप लेवल 1 के एग्जाम 4 बार दे सकते हो, फरवरी अटेम्प्ट, मई अटेम्प्ट, अगस्त अटेम्प्ट और नवंबर अटेम्प्ट, इनमें से कोई भी एक अटेम्प्ट हम दे सकते हैं जो हमें सूटेबल है। उसके बाद हम लेवल 2 की बात करते हैं, तो लेवल 2 के जो एग्जाम है वो साल में 3 बार होंगे, फरवरी, अगस्त एंड नवंबर में। फरवरी, अगस्त एंड नवंबर में एग्जाम्स होंगे। लेवल 3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 ही चांसेस हैं आपके पास, यानी कि लेवल 2 के एग्जाम्स या तो आप मई अटेम्प्ट दे दो या फिर आप अगस्त या सितंबर में जो एग्जाम होते हैं। अब नेक्स्ट ये तो बात रही एग्जाम फीस की, डेट्स पे आ जाते हैं। अब जो एग्जाम डेट्स हैं ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो जो ये डेट्स हैं, मैं फेब 23 अटेम्प्ट की बात करूँ लेवल 1
वन का जो Feb 23 अटेम्प्ट है, यहाँ पे मैं वो बात करूंगी इन केस अगर आपको लेवल टू एंड लेवल थ्री की फी स्ट्रक्चर एग्जाम डेट्स के बारे में जानना है, तो जो आपकी हमारी नेक्स्ट वीडियो है आप उसको रेफर कर सकते हो। सो एग्जाम डेट्स की अगर मैं बात करूँ लेवल वन का, जो रजिस्ट्रेशन विंडो ऑलरेडी ओपन हो चुकी है 10th मई को, रजिस्ट्रेशन विंडो जो एनरोल करना है आपको एग्जाम्स के लिए 10th मई को वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। नेक्स्ट उसके बाद है स्केड्यूलिंग विंडो। स्केड्यूलिंग विंडो मतलब कि जो आपने एग्जाम अपना स्केड्यूल करवाना है वो भी 10th मई को करवा सकते हो, यानी कि एनरोल करने की डेट, रजिस्ट्रेशन करवाने की डेट और स्केड्यूलिंग विंडो, ये दोनों ही आपकी 10th मई को ओपन हो चुकी है। सो रजिस्ट्रेशन विंडो 10th मई, स्केड्यूलिंग विंडो भी 10th मई। अब उसके बाद अर्ली रजिस्ट्रेशन डेडलाइन है। अर्ली रजिस्ट्रेशन डेडलाइन मतलब कि आप विदाउट एनी लेट फीस 9th ऑफ अगस्त तक, 10th मई को ओपन हुई है 9th अगस्त, अभी भी टाइम है 9th अगस्त 2022 को आप विदाउट एनी लेट फीस एनरोल कर सकते हो फॉर लेवल वन एंड लेवल थ्री। लेवल टू के बारे में अभी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। अब ये जो आपकी रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं ये क्लोज हो जाएंगी। सो ये तो बात रही अर्ली रजिस्ट्रेशन डेडलाइन की। अब जो रजिस्ट्रेशन क्लोज होंगी वो 8th ऑफ नवंबर को होंगी। मैम अर्ली रजिस्ट्रेशन डेडलाइन तो 9th अगस्त है। देखो जो अर्ली रजिस्ट्रेशन डेडलाइन है 9th अगस्त है, उसके बाद अप्लाई हो जाती है स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन। स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन में आपको फीस थोड़ी हाई पे करनी पड़ती है। कितनी फीस है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में जाके आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन फीस आपकी जो डेडलाइन है वो 8th ऑफ नवंबर की है, 8th नवंबर 2022। एग्जाम्स 14th to 20th February के बीच में होंगे। और दूसरा स्केड्यूलिंग डेडलाइन 16th नवंबर 2022 है। देखो यहाँ पे स्केड्यूलिंग विंडो ओपन हुई थी 10th मई को। अब ये स्केड्यूलिंग मतलब एग्जाम आपने स्केड्यूल कब करना है, 14th to 20th। आपको इंस्टीट्यूट क्या करता है, आपको इंस्टीट्यूट टाइम दे देता है 14th to 20th के बीच में। आप जब मर्जी अपने अकॉर्डिंग डेट सेलेक्ट करके आप ये एग्जाम दे सकते हो। तो आपने जो स्केड्यूल करना है मतलब आपने जो एक डेट सेलेक्ट करनी है वो आपने 10th मई से 16th नवंबर के बीच में कर लेनी है। यानी कि अगर मैं समराइज करूं तो आपको अगर Feb 23 के लिए आइदर इन लेवल वन और फॉर लेवल थ्री, लेवल टू की अभी हम बात नहीं करेंगे, लेवल वन या लेवल थ्री के लिए 10th मई को रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। स्केड्यूलिंग डेडलाइन आपकी 16th नवंबर तक है। स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन अर्ली रजिस्ट्रेशन के अंडर आप 9th अगस्त तक फी पे कर सकते हो। स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन के अंडर अगर आप जाते हो तो आपको थोड़ी सी हायर फी पे करनी पड़ेगी, वो भी आप सिर्फ 8th नवंबर तक ही ओपन कर सकते हो, मतलब सिलेक्ट कर सकते हो। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि मैम सपोज करो कि हमने 14th to 20th के बीच में एक एग्जाम जो है वो स्केड्यूल किया था, लेकिन वो एग्जाम हम नहीं दे पाए या हमारी कोई और एग्जाम की डेट क्लैश कर दी है, देन इन दैट केस क्या होगा? कई सारे केसेस ऐसे हो जाते हैं आपके सीए एग्जाम्स की डेट क्लैश कर जाती है या फिर आपके कैट के एग्जाम की डेट से क्लैश कर जाती है, देन आपको सीएफए इंस्टीट्यूट एक ऑप्शन देता है कि आप अपने डेट एग्जाम रीस्केड्यूल भी करवा सकते हो। जो रीस्केड्यूलिंग की डेट रहेगी वो 13th ऑफ जनवरी 2022 तक ही रहेगी। मतलब फरवरी में अगर आपके एग्जाम है, फरवरी में अगर आपके एग्जाम हैं, तो 13th ऑफ जनवरी 2022 तक आप ये एग्जाम रीस्केड्यूल करवा सकते हो। बट इसके लिए आपको एडिशनल रीस्केड्यूलिंग फी पे करनी पड़ेगी $250 की, ठीक है, जो बहुत हाई है रहती है। अब ये सारी डेट्स है रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद हमने बात करनी है फीस की। सो फीस की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था अर्ली रजिस्ट्रेशन फी और स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन फी। अब ये जो फीस भी है आपकी फरवरी 2023 एग्जाम्स के लिए है, आपकी जो इस अटेम्प्ट के लिए फीस रहेगी। सो अगर बात करें फीस की फरवरी 23 एग्जाम्स के लिए, ये लेवल वन की फीस रहेगी आपकी। मैंने आपको पहले भी बताया इन केस लेवल टू लेवल थ्री एग्जाम डेट्स एंड फीस के लिए उसके मैंने एक
अलग वीडियो जो है वो आपकी ऑलरेडी बना रखी है, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो अगर आपको डिटेल चाहिए उसकी फीस की एंड एग्जाम डेट्स की। अब लेवल वन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली रजिस्ट्रेशन फीस एंड स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन फीस। अर्ली रजिस्ट्रेशन जो डेडलाइन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो आपकी अगस्त तक है, 9th ऑफ अगस्त तक। उसमें आप $900 की फीस पे करोगे। रिसेंटली सीएफए इंस्टीट्यूट ने ये फीस दोनों ही रिवाइज की है, इंक्रीज की है थोड़ी। पहले ये $700 थी, अब $900 जो है अर्ली रजिस्ट्रेशन फीस आपने पे करनी है फॉर लेवल वन। एंड उसके बाद स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें, आपकी 10th अगस्त को क्लोज हो रही है, जो नवंबर में क्लोज हो रही है, सॉरी 8 नवंबर को क्लोज हो रही है, $1200। ये भी इंस्टीट्यूट ने, सीएफए इंस्टीट्यूट ने रिवाइज की है। पहले $1000 थी, अब $1200 इसकी फीस कर दी गई। सो ये सब था आपका सीएफए कोर्स के बारे में, बहुत कुछ डिटेल्स हमने डिस्कस की इस वीडियो में। अब नेक्स्ट, अगर आपको और डिटेल्स चाहिए या फिर आप CFA के किसी भी लेवल के लिए, आइदर फॉर लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के लिए आप क्लासेस लेना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे रखी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।